कोटा भारत वाहिनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम तिवाड़ी एक दिवसीय कोटा यात्रा के दौरान सुभाष मैरिज गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा व कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तिवाड़ी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण के नाम पर हर वर्ग के लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। आरक्षण को लेकर कानून बनकर तैयार है। SC ST OBC का आरक्षण जारी रहे, लेकिन ब्राह्मण राजपूत कायस्थ बनिए और OBC मुसलमानों के बच्चों ने सरकार का क्या बिगाड़ा जो उन्हें आरक्षण से वंचित रखा जा रहा है। जो समाज आरक्षण से वंचित है उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, तभी देश में समरसता आएगी। भारत वाहिनी पार्टी समरसता की लड़ाई, आर्थिक न्याय की लड़ाई और भ्रष्टाचार की विदाई के लिए लड़ाई कर रही है। इस लड़ाई में सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ना है। चुनाव में भाजपा को दिखाना है कि जनता के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ धोखेबाजी का परिणाम क्या होता है। भारत वाहिनी पार्टी राजस्थान के युवाओं, व्यापारी व वंचित वर्ग को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए भारत वाहिनी पार्टी चुनाव में तीसरा विकल्प बनकर चुनाव में उतरेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में आरक्षण से वंचित समाज एकजुट होकर भाजपा को उसका असली चेहरा दिखाकर भारतीय युवा वाहिनी पार्टी की सरकार बनाती है तो आगामी लोकसभा चुनाव के पहले उनके बच्चों को आरक्षण मिल जाएगा। विपक्ष मजबूत हो और जनता के सामने तीसरा विकल्प हो तो राज्य का विकास संभव है। तिवाड़ी ने कहा कि आज भाजपा शासन में राजस्थान का बंटाधार हुआ है। विकास के क्षेत्र में केरल एक नंबर पर है, तमिलनाडु दो नंबर पर और तेलंगाना तीसरे नंबर पर है, क्योंकि वह कोई ना कोई तीसरी ताकत है। जिस दिन राजस्थान में तीसरी ताकत होगी तो राजस्थान पूरे देश में एक नंबर का राज्य बनकर उभरेगा। तिवाड़ी ने कहा कि राजस्थान की जनता से कभी राम के नाम पर, कभी अल्लाह के नाम पर बहुत बार वोट देकर देख लिया, अब जरूरत है अपनी भावी पीढ़ी को वोट देकर देखे। घनश्याम तिवाड़ी ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी गिरगिट की तरह रंग बदलती है। मध्य प्रदेश में ज्योतिराजे सिंधिया को राज परिवार का होने के चलते जनता से आह्वान किया जाता है कि इन्हें वोट मत दो और राजस्थान में उसके बिल्कुल उल्टा हो रहा है, जबकि यह भाजपा की सरकार है और उन्होंने सीएम राजे को मुख्यमंत्री बनाया। तिवाड़ी ने यहां भी कहा कि सीएम राजे ने राजस्थान को बीमारू राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। तिवाड़ी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान देवों की भूमि है जो वीर सपूतों को जन्म देती है, यह कोई राक्षसों की लंका नहीं है जो अमित शाह ने राजस्थान में अंगद का पैर जमाने की बात बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंगद ने लंका में अपना पैर जमाया था, जिसकी ताकत रावण को पता है, भाजपा को कब से अंगद की ताकत का पता चल गया। राजस्थान की जनता राजस्थान की वीर और बलिदानी भूमि का अपमान सहन नहीं करेगी। यदि भाजपा के अंगद के पैर में इतना ही दम था तो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के दौरान केंद्र सरकार द्वारा शेखावत के नाम की घोषणा की टेप दिखाना चाहिए था। उस समय वसुंधरा राजे के केंद्र सरकार के कानों में चाबी भरकर शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया। घनश्याम तिवाड़ी ने साधा भाजपा व कांग्रेस पर निशाना। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान जैसे बीमारू राज्यों के कारण से भारत की तरक्की रुक रही है। अरे राजस्थान को बीमारू किया किसने? तुम्हारी भेजी हुई, तुम्हारे द्वारा संरक्षित, तुम्हारे द्वारा पोषित, जहां आप मध्य प्रदेश में जो कहते हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राजा है, उस राजा को वोट मत दो, आकर अंगद का पांव जमाते हो और कहते हो कि महारानी को वोट दो। अरे वाह यार, ये रंग नहीं चलेगा गिरगिट की तरह से रंग बदलना। वहां तो पीला रहा लाल, और फिर ये अमित शाह ये कहते हैं कि अंगद का पांव है। अरे भाई, अंगद ने तो पांव रावण के यहां जमाया था, तो अंगद के पांव की ताकत तो रावण को पता थी। आप रावण कब से हो गए हो? और फिर अंगद ने तो पांव लंका में जमाया था। इस राजस्थान को आप लंका समझते हो क्या? राजस्थान लंका नहीं है, राजस्थान राक्षसों का प्रदेश नहीं है, राजस्थान देव भूमि है, देवताओं का प्रदेश है, वीर भूमि है। इस वीर भूमि का बलिदान, इस वीर भूमि का अपमान बिल्कुल नहीं चलेगा। अपमान करना है तो यार, जब अंगद के पांव में दम था तो गजेंद्र सिंह को अध्यक्ष बनाने के लिए तुमने तो घोषणा कर दी थी, वसुंधरा ने तुम्हारा कान पकड़कर सर मांगे यहां से नहीं बनाने। अगर अंगद का पांव जोड़ना तो वहां जमा दे,
और कहते मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनेगी। अमित शाह जी, मैं आज यहाँ कोटा में झंके की चोट देता हूँ कि राजस्थान का मुख्यमंत्री राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता बनाएगी। अंगद नहीं बनाएगा या रंगा नहीं बनाएगी या रावण नहीं बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा। बंटा डार है राजस्थान का, बंटा डार है। केरल 1 नंबर पर है, तमिलनाडु 2 नंबर पर है, तेलंगाना 3 नंबर पर है, क्योंकि वहां कोई न कोई तीसरी ताकत है। तो राजस्थान में जिस दिन तीसरी ताकत आएगी तो राजस्थान 17वें नंबर पर नहीं रहेगा, राजस्थान पहले नंबर पर जाएगा। इसलिए लड़ाई राजस्थान को पहले नंबर पर ले जाने की, वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मैं ज्यादा लंबा समय आज नहीं लूंगा। हम इस संघर्ष के रास्ते पर हैं और इसलिए हम तीसरी शक्ति बनाना चाहते हैं। मनीष जैसे, पीताम्बर जैसे के नौजवान हैं, मेरी इनको शुभकामनाएं। ये संघर्ष कर रहे हैं, पहले मैं भी 36 साल 27 साल का ये संघर्ष कर रहा हूं, करते करते एमएलए बन गया। और ये समय बदलता है, कितने अच्छे लोग अड़ौती में हुआ करते थे, कैसे कैसे लोग थे और अब कैसे कैसे हो गए। तो अब ये ऐसे ऐसे जो है ना, ये भी वैसे वैसे बन जाएंगे जो लोग इनको याद करेंगे। भारत वाहिनी पार्टी राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान के मध्यम वर्ग को, राजस्थान के व्यापारी को, राजस्थान के वंचित वर्ग को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए लड़ रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप लोग एकजुट होकर साथ खड़े हो जाएं। आप एक बार देख लें, मैं आरक्षित से वंचित वर्ग के लोगों को कह रहा हूँ, वो सुने कान खोलकर, एक बार उन्होंने अगर इस विधानसभा के चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी को उसका स्थान बता दिया कि तुम कहां की हो, तो लोकसभा के चुनाव के पहले पहले उनको बच्चों को आरक्षण मिल जाएगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी को फिर जिताया तो वो कानून जो बना हुआ पड़ा है, वो बना हुआ ही पड़ा रहेगा, उस पर कभी दस्तक नहीं हो। अरे आपने बहुत बार वोट दे दिया, कभी राम पर कभी उस पर कभी, एक बार अपनी भावी पीढ़ी के लिए वोट देकर देखो, उनका भविष्य क्यों खराब कर रहे हो। एक बार संघर्ष के लिए खड़े हो जाओ। और हम सामाजिक समरसता तक, हम शेड्यूल कास्ट का भी जो वंचित वर्ग है उनको भी जो इनको आरक्षण मिलने के बाद में कुछ लोगों को मिल गया, बाकी वंचित है उनको भी वंचित वर्ग में मानते। हम समरसता चाहते हैं, हम विद्वेष नहीं चाहते हैं। हम इस समरसता की लड़ाई और आर्थिक न्याय की लड़ाई और राजस्थान में भ्रष्टाचार की विदाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें आप सब लोगों का समर्थन चाहिए। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे बहुत ओपरक है, बहुत ओपरक। आपको ये बना देंगे, आपको वो बना देंगे, आपके बेटे को बना देते हैं। मैंने कहा मुझे बनना नहीं, मुझे बनाना है तुम लोगों को और बताना है तुम लोगों को कि जनता के साथ और कार्यकर्ता के साथ धोखेबाजी करने का परिणाम क्या है। अपनी तिजोरियों में कैद कर लिया है, वो किसने कराया? वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के शासकों ने कराया। आज भारत की 50% संपत्ति केवल 1.5% लोगों के पास है और हम जैसे 50% के पास भारत की केवल 2% संपत्ति हमारे पास है। कहां ले जा रहे आर्थिक व्यापार? भारत वर्ष दुनिया का वो देश है जिसमें अमीरी और गरीबी का फर्क रूस के बाद सबसे ज्यादा है। ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा अमीरी और गरीबी का फर्क रूस में है और रूस के बाद में सबसे ज्यादा गरीब भारत में है और सबसे ज्यादा अमीर को पैसा भारत में जाता है। क्यों? यहाँ के नेताओं की और पूंजीपतियों की साठ गांठ चलती रहती है।
ये आर्थिक न्याय तो भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल जी की इस आर्थिक न्याय को छोड़ चुकी। अंत्योदय नहीं, ऊपरोदय चाहिए। दीनदयाल जी ने कहा अंतिम व्यक्ति का उदय करो, ये करें ऊपर वाले का उदय करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहने में कोई लाभ नहीं है, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को तिलांजलि दे दी। अब हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने कहा कि मैं सामाजिक समरसता की यात्रा निकालूंगा। उस समय मैंने यात्रा शुरू की रथ पार जो खड़ा है, और मैं राजस्थान के 32 जिलों में जाकर सामाजिक समरसता और आर्थिक न्याय के मैंने आंदोलन किया। फिर विधानसभा का सत्र आया तो जख मारकर सरकार को उस कानून को पास करना पड़ा। वो कानून तो पास हो गया लेकिन उस पर दस्तखत नहीं हुए। मुझे कई नेताओं ने पूछा कि विधानसभा में कितने ब्राह्मण हैं, कितने राजपूत हैं, कितने जाट हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने शेड्यूल कास्ट के हैं, कितने शेड्यूल ट्राइब के हैं। मैंने कहा ये जाति का क्यों पूछते हो? अगर जाति के आधार पर नेता बैठकर आरक्षण देते तो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण नहीं होता। आपको पता है कि भारत की संविधान सभा आजादी के पहले बनी थी, और जिस दिन आप ये देखने लग जाओगे कि हम अच्छे व्यक्ति को वोट देंगे तो पार्टियां गलत आदमियों को टिकट देगी और वो हार जाएंगे तो पार्टियां नतमस्तक होकर जनता के सामने अच्छे आदमी को टिकट देने लग जाएगी। इसलिए इसको मन से निकाल दो पार्टी। मैं विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के जो भूतपूर्व कार्यकर्ता है उनसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित और सिद्धांत निष्ठ कार्यकर्ता तो हमारे साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता लोलुप और स्वार्थी कार्यकर्ता वसुंधरा राजे के साथ है। ये फर्क, और ये चुनाव के मैदान में पता लग जाए। लेकिन हम कोई वसुंधरा जी से नाराज होकर हमने पार्टी नहीं बनाई। हमारी पार्टी बनाने का कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है। हमने पार्टी बनाई अभी व्यापारी वर्ग के लोग, अभी कह रहे व्यापारी बहुत दुखी। भारतीय जनसंघ से लेकर जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के छोटे व्यापारी के बलबूते पर चुनाव जीतती रही। आज वो छोटा व्यापारी सबसे ज्यादा पीड़ित और प्रताड़ित हो रहा है, सारी हिन्दुस्तान में प्रताड़ित हो रहा है। आज जो जीएसटी का टैक्स लगा है इसमें 70 परिवर्तन कर दिए। आपने जो नोटबंदी की, आपने जो एफडीआई की, आज सारे मेडिकल स्टोर हिंदुस्तान भर में बंद है। आप कर क्या रहे हो? जिस जाली पर बैठे हो उस जाली को ही काट रहे हो। आज आरक्षण की लड़ाई में इन्होंने सारे देश को लड़ा दिया। आरक्षण का कानून बना हुआ पड़ा है। हमने भारतवादी पार्टी ने सबसे पहला काम ये किया कि हम सामाजिक समरसता और आर्थिक न्याय के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। हमने कहा कि शेड्यूल कास्ट का आरक्षण आप जारी रखें, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण भी जारी रखें, ओबीसी का भी जारी रखो, विशेष ओबीसी का भी बना लो, लेकिन ब्राह्मणों के गरीब बच्चों ने, राजपूतों के गरीब बच्चों ने, बणियों के गरीब बच्चों ने, कायस्थों के गरीब बच्चों ने, और जो ओबीसी में मुसलमान नहीं आए हैं उन मुसलमानों के गरीब बच्चों ने क्या पाप किया? उनका आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? ये मांग मैंने 14 साल पहले सीकर में उठाई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ईबीसी कमीशन बना दिया, लेकिन कांग्रेस की सरकार आई उसे कमीशन को खत्म कर दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैंने विधि मंत्री के नाते वो कानून रखा, वो कानून को पास हुए 14 वर्ष हो गए, गहलोत साहब ने उस कानून को रद्द कर। इसके बाद ये नई सरकार आई, इन्होंने कानून नहीं रखा, मैंने विधानसभा में प्राइवेट मेंबर के रूप में कानून रखा।